कर सुप्रभात, मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 685 उम्मीदवार सफल हुए हैं। वैशाली के सुधीर कुमार टॉपर बने हैं, जबकि अरवल के अमर कुमार सेकंड टॉपर, मुजफ्फरपुर के आयुष तीसरे स्थान पर रहे हैं, पूर्वी चंपारण के सदानंद कुमार चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा के माध्यम से 689 पदों पर नियुक्ति होनी है। 34 DSP समेत विभिन्न विभागों में 685 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। 13 अप्रैल 2022 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा में 1838 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 18 मई से 22 जून तक और 5 जुलाई से 18 जुलाई तक सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में कुल 1768 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 70 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 689 रिक्तियों पर मेधा सूची तैयार की गई है और 3 अगस्त को रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। तो 66वें BPSC परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। सुधीर कुमार टॉपर बने हैं, अमृत कुमार ने दूसरा रैंक इस परीक्षा में लाया है। BPSC परीक्षा में आयुष कृष्णा ने तीसरा रैंक लाया है। मरगुब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगुब, BPSC 66वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, किस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं? देखो, बिहार लोक सेवा आयोग के जो संयुक्त परीक्षा है, जो बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट कल देर रात बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया। इस रिजल्ट में वैशाली के सुधीर कुमार टॉप कर चुके हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग का कल रिजल्ट आया है, उस पूरे रिजल्ट को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अरवल के अमर कुमार सेकेंड पोजीशन पे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर के आयुष को तीसरा पोजीशन मिला, पूर्वी चंपारण के सदानंद को चौथा पोजीशन मिला। इस परीक्षा में 689 पदों पर नियुक्ति होनी है, 34 DSP भी बने हैं और विभिन्न विभागों में 685 अधिकारियों की नियुक्ति के रिजल्ट जारी किया गया। 13 अप्रैल 2022 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा में 1883 अभ्यर्थियों ने भाग सफल हुए थे। 18 मई से 22 जून और 5 जुलाई से 18 जुलाई तक सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में 1768 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस इंटरव्यू में 70 अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए। इसका कारण आयोग को पता नहीं है, आखिर मेंस परीक्षा पास करने के बाद भी 70 अभ्यर्थी क्यों अनुपस्थित आ गए। 689 रिक्तियों पर मेधा सूची जारी की गई और कल 3 अगस्त को लगभग रात में 10:30 बजे के आसपास रिजल्ट की घोषणा की गई है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के सहित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। सुधीर कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इस पूरे मामले में अब विधिवत तौर पर सरकार को अनुशंसा 1 से 2 दिन में भेजी जाएगी। सरकार फिर अपने स्तर से कह सकते हैं कि जो प्रमाण पत्रों की जांच होती है, फिर जांच के बाद सभी विभाग अपने अपने स्तर से नियुक्ति के लिए कार्रवाई करेंगे। चलिए, शुक्रिया मरगुप्त तमाम जानकारी के लिए।